नार्को टेस्ट आप लोग नहीं कराएंगे? हमारे परिवार में कोरोना टेस्ट की बोल रहे हैं, हम लोगों को कोरोना है, जो हम लोग कोरोना टेस्ट कराएं या ये करवाएं, हम लोग नहीं, हम टीम भेजेंगे। मतलब नार्को टेस्ट नहीं करवाएंगे? नहीं कराने, क्योंकि हम सच बोल रहे हैं। अच्छा है? और ये जो वीडियो सामने आया है, जो 14 तारीख का वीडियो है, 14 जिस दिन मौत, जिस दिन उनके साथ गलत व्यवहार हुआ था, उस दिन के वीडियो में जब आप लोग थाने जाती है तो केवल एक संदीप का जिक्र होता है, बाकी और किसी का नाम नहीं आता है। तो लोग कह रहे हैं कि इसी के लिए परिवार बार बार बयान बदल रहा है, इस तरह के आरोप लग रहे हैं आप लोग? ये गलत बात है। जब लड़की जब अपने मुंह से बोल रही है, जो माँ ने देखा नहीं, ठीक है, लड़कों को देखा नहीं तो वो कैसे बोल सकती थी, ठीक है, भाई ने देखा नहीं तो वो कैसे बोल सकती, जो लड़की ने देखा वो सच बोला है, वो कैसे बदल सकता है, आप बताइए। तो अब आप लोग क्या चाहती है ये बताइए? इंसाफ चाहिए, इंसाफ चाहिए, न्याय चाहिए। इंसाफ के लिए ही तो SIT गठित हुई है। SI टीम भी उन्हीं लोगों से मिली हुई है। आप लोग CBI जांच चाहते हैं? नहीं, CBI जांच नहीं चाहते? नहीं चाहिए हमें CBI। तो फिर जांच कैसे होगी आपको? SIT जो भी हो रहा है वो सही हो रहा है, आप लोग फैसला करो, कोर्ट से जो होगा वो मान्य होगा, बाकी कुछ मान्य नहीं? नहीं, हम कोई। अच्छा ये बताइए, बड़े नेताओं में राहुल गांधी का एक ऑडियो आपका वायरल हो रहा है, आप कह रहे हैं राहुल गांधी यहाँ पर आ रहे हैं, प्रियंका गांधी, किसी से फोन पर बात हुई है क्या? नहीं, हमारे घर में किसी से बात, किसी से फोन पर बात नहीं हुई है? मायावती, अखिलेश यादव, किसी से नहीं? मतलब इन लोगों में से किसी का वो नहीं आया? किसी का नहीं। और ये लोग बाहर से आ रहे हैं तो आपको लग रहा है वास्तव में आपकी मदद के लिए आ रहे हैं कि अपनी राजनीति के लिए आ रहे हैं? राजनीति के लिए ही आ रहे हैं सब, अपनी राजनीति के लिए आ रहे हैं, कोई आपकी मदद के लिए कोई नहीं आ रहा है, सब लोग अपनी राजनीति के लिए आ रहे हैं, सब अपना अपना वो बना के रखे हैं कि ये सरकार गिर जाए तो हम बन जाएंगे, तो हम लोगों को सरकार से बनने और बिगड़ने से क्या फर्क पड़ रहा है? अच्छा मैं एक चीज और पूछूंगी, मैं चाहूंगी हमारे कैमरा पर्सन आपको जल्दी से वो तस्वीरें दिखा दे जहाँ से हमने कैप्चर की थी यहाँ की तस्वीरें। SIT की टीम जब आंगन में बैठी हुई थी, इसी दीवार से उस तरफ से हमने यहाँ की तस्वीरें आप तक पहुँचाई थी।